बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर देवरिया कांड जैसी घटना को दोहराए जाने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर संपत्ति की सुरक्षा और जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है। तैबेपुर थाना अंतर्गत रमनीपुर गांव निवासी बलदाऊ पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्थगन आदेश के बावजूद दबंगों द्वारा आए दिन उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के ही गाटा संख्या 58-24-25 उसकी पैतृक भूमधरी है, जिस पर 50 वर्षों से वह काबिज है। उक्त प्रकरण का सक्षम न्यायालय में वाद है, जिसमें पीड़ित के पक्ष में अस्थगन आदेश कर रखा है। उसके बावजूद विपक्षियों ने उक्त विचाराधीन भूमि को नियम विरुद्ध रजिस्ट्री कर विक्रय कर दिया। आरोप है कि जमीन खरीदने वाले उमेश यादव भिलौली खालसा के ग्राम प्रधान के देवर हैं, जो काफी दबंग और प्रभावशाली हैं। रजिस्ट्री के बाद लगातार उमेश यादव उक्त भूमि को बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करते हुए पीड़ित को आए दिन जानमाल की धमकी देते हुए बेदखल करना चाहते हैं। इस तरह की गंभीर आरोप बलदाऊ पांडे ने लगाए हैं। पीड़ित यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग हमें धमकी देते हैं कि अगर जमीन उसे नहीं मिली तो देवरिया कांड को दोहराया जाएगा। इसी को लेकर पीड़ित ने डीएम एसपी से विचाराधीन भूमि का निर्णय आने के बाद ही किसी भी तरह की कार्रवाई कराए जाने की मांग करते हुए अपने और अपने परिवार के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये हमारा आपसी पट्टेदारों का जमीन का विवाद है और उसमें बाट बंटवारे की बात चल रही है और उसी बीच जो है मुकदमा हमारा स्वामित्व का पेंडिंग है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और इसी बीच जो है जो ग्राम प्रधान का देवर है उमेश यादव दबंगई गुंडाई करके जो है फर्जी तरीके से उसने रजिस्ट्री करवा लिया है और अब बिना खारिज दाखिल हुए ही उस जमीन को जो है उस पर कब्जा लेना चाहता है, जबकि माननीय न्यायालय में खारिज दाखिल भी पेंडिंग है, उस पर कोर्ट ने हमारी आपत्ति स्वीकार कर लिया है और खारिज दाखिल हुआ नहीं है, फिर भी वो बार बार गुंडाई कर रहा है। जाके मौके पे जो है 20-25 गुंडों को लेकर के पहुंच जाता है, बोलता है मैं खारिज दाखिल नहीं समझता हूं, मैं जो है जबरदस्ती कब्जा ले लूंगा। जमीन कितनी है? जमीन 7.25 बीघा के आसपास है। और किसके नाम से है जमीन? वो हमारी मतलब पुश्तैनी जमीन, हमारी खेती की जमीन है जी, उसका वाद चल रहा है, टाइटल सूट पेंडिंग है और उसमें ये है कि अभी स्वामित्व का डिसाइड नहीं हुआ है, माननीय न्यायालय विचाराधीन है और अस्थगन आदेश है। स्टे ऑर्डर के बावजूद उमेश यादव दबंगई कर रहा है और बार बार जाकर के वहाँ भीड़ लेकर पहुँच जाता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो कानून प्रक्रिया के तहत जो है जो नियम कहता है उसके तहत कार्रवाई हो और धमकी देने के आरोप में उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो है हमारे ऊपर जानलेवा हमला न कर पाए। अब तक आपने किसको किसको एप्लीकेशन दिया? हमने माननीय SHO तावरपुर थाना अध्यक्ष को कई बार दिया रिपीट कंप्लेंट, कोई शिकायत का उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जो पूर्व में SSP महोदय को भी दिया था आजमगढ़, उस पर बहुत कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम फिर जो है कप्तान SSP महोदय को दे के आए हैं। आज जिलाधिकारी को भी दिए? जिलाधिकारी को भी दिए हमने आज जी। क्या क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो जो हमें हमारे ऊपर अपराध कर रहा है उसको ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसके पहले कि वो हमारे परिवार को मार डाले तुरंत गिरफ्तार किया जाए उसको। हमारे पटेदारों के साथ जो विवाद चल रहा है उसी के बारे में तहसील निजामबाद से स्थगन आदेश मिला था कोर्ट में और सब लोग शांत थे, लेकिन वो एक बैग जो है गुंडों को लेके उमेश यादव अपना उमेश यादव से क्या संबंध है, किस तरह से है जब आपकी जमीन है? तो वो गांव का उसकी भाभी प्रधान है, लेकिन प्रधनिया काम वो देखता है, अपने को दबंग बनता है। क्या चाहते हैं आप जी? क्या चाहते हैं? अरे हम यही चाहते हैं कि भाई कोर्ट का न्याय हमको भी मान्य होगा और कोर्ट का न्याय उसको भी मान्य होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।